The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap dosto? Main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे टाइफॉइड फीवर की. दोस्तों, टाइफॉइड मलेरिया ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं. डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स पाए जाते हैं इस चीज़ के. तो ये क्या बीमारी है, टाइफॉइड फीवर है क्या, होता किस चीज़ से है, फैलता कैसे है, ठीक कैसे होता है, बार बार क्यों आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे. इसके खिलाफ प्रिवेंशन क्या है, जी हाँ, और वैक्सीन कहाँ है, सब कुछ आज हम जानेंगे इस फीवर के बारे में, टाइफॉइड के बारे में. तो देखते रहिएगा, ठीक. और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सारे वीडियोज़ US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ऑथेंटिक वेरीफाइड होते हैं, रेफरेंस्ड होते हैं, सारी जानकारी ऑथेंटिक होती है, आप भरोसा कर सकते हैं. सो सेम दिस वीडियो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट. टाइफॉइड एक इन्फेक्शन है जिसमें के आपके पेट में इन्फेक्शन हुआ है. आपको डायरिया यानी लूज मोशन होगा, आपको शरीर में एक कहीं ना कहीं एक रैश आ सकता है, ज़्यादातर पेट में आता है. और इस बीमारी को करने वाला जो बैक्टीरिया है, वो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है वो है साल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी नाम का बैक्टीरिया. ये कैसे फैलता है, कहाँ से फैलता है, कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है फीको ओरल रूट में. फीको ओरल मतलब जब भी कोई इंसान वॉशरूम जाके सही से हाथ नहीं धोता, या अनहाइजीनिक कंडीशन में कोई खाना हैंडल करता है, या आप कोई कंटैमिनेटेड फूड, कोई पानी या कोई ड्रिंक, कोई ऐसी चीज़ अनहाइजीनिक जगह से खाते हैं, तो हो सकता है उसमें साल्मोनेला टाइफी कंटैमिनेशन हो और वो आपके शरीर में घुस जाए. वो चले जाएगा, पेट में जाएगा, पेट से नीचे इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में वो बीमारी करेगा, फिर उसके बाद वो आपके खून में जाएगा, खून में जाके फिर वो आपके लिम्फ नोड्स, पेट में जो लिम्फ नोड्स सारे गॉल ब्लैडर में, लिवर में, स्प्लीन में और बाकी सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. कई लोग इस बैक्टीरिया को अंदर लेके घूमते हैं, कैरियर बन जाते हैं, कई लोग कैरियर बन जाते हैं जिनके अंदर पूरी तरह से हैवी बीमारी नहीं बनती, थोड़ी बहुत बीमारी बनती है, और लेकिन साल्मोनेला टाइफी कैरियर बन जाते हैं. कैरियर का मतलब कि वो फैलाते रहते हैं ये बैक्टीरिया, ये अब उनके जो स्टूल्स हैं, उनके जो लैट्रिन है, मोशन है, उसमें सालों तक निकलता रहता है, सालों तक निकलता रहता है. और ये स्टूल्स जहाँ भी जाएंगे, जिस भी जगह मिल जाएंगे, जो पानी में मिलेंगे, जो जिस भी जगह हाथ लगेगा, जो भी करेंगे, अगर उन्होंने सही तरीके से इसको वेस्ट डिस्पोजल नहीं हुआ, अगर सही तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं रही, तो ये डिजीज़, ये बीमारी फैलती जाएगी. इसीलिए ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत आसानी से फैल जाती है, ख़ासकर क्योंकि सीवेज डिस्पोजल उतना बहुत अच्छी तरह से नहीं है. कहीं जगह बारिश का पानी ऐसे ही फैला देता है, इसलिए बारिश वाले सीज़न में ये बहुत आसानी से ऐसे उभर के आता है, राइट. और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि सीवेज डिस्पोजल बहुत अच्छे से होता है, इसलिए वहाँ पर ये बहुत कम मिलता है. सिर्फ जो लोग डेवलपिंग कंट्री से होकर आए हैं, उन लोगों में ज़्यादातर ये पाया जाता है. इसीलिए डेवलपिंग कंट्री में जाने से पहले, जिस जगहों पे टाइफाइड ज़्यादा कॉमन है, वहाँ जाने से पहले वैक्सीन लेना चाहिए, सोच समझ के जाना चाहिए, जाके हिसाब किताब आपको समझना, वो हम बताएंगे प्रिवेंशन में. चलो, चला गया अंदर बैक्टीरिया आपके पेट में, आपके पेट में इन्फेक्शन करने के लिए वो एक टाइफॉइड टॉक्सिन, साल्मोनेला टॉक्सिन सिक्रीट करता है. टॉक्सिन आपके सेल्स के अंदर, एक एक सेल के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है, तो आपको बीमारी होती. क्या होगा, पेट में दर्द होगा,
बुखार होगा, हाई ग्रेड बुखार होगा, 103, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बुखार होगा। आपको जनरलाइज्ड पूरे बॉडी में पेन, अजीब वही दर्द, बुखार, मैले, सब कुछ होगा। और बिकॉज इंटेस्टाइन्स में ये टॉक्सिन सिक्रीट है, तो वहाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से लूज मोशन, डायरिया होगा, ज़ोरदार डायरिया होगा, सिवियर डायरिया हो सकता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी सिवियर, हर एक को इतना खतरनाक सिम्टम नहीं होता, किसी को माइल्ड सिम्टम भी हो सकते हैं, लेकिन सिवियर केसेस में जब बीमारी बढ़ती है तो ज़बरदस्त डायरिया हो सकता है। फिर कुछ लोगों को एक रैश बन जाता है जिसे रोज़ स्पॉट कहते हैं, स्मॉल रेड स्पॉट होता है जो एब्डोमिन या चेस्ट में ज़्यादातर मिलता है। कुछ लोगों को और भी दूसरे सिम्टम होंगे, जैसे लैटरिन में खून आना, ठंड लगना, कई लोगों को दिमागी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, कुछ दिखना, कुछ सुनाई देना, राइट, अटेंशन में डिफ़िकल्टी होना, किसी को नाक से खून बह सकता है, बहुत ज़्यादा थकावट तो होगी होगी, राइट, आपकी फीलिंग्स, आप वीक हो सकते हो, आप वीक फील कर सकते हो, स्लो स्लगिश फील कर सकते हो। सो ये सारी इश्यूज़ आएंगी आपको, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के एडिशनल सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप ध्यान ना दो खुद का। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपको डाउट है, तो जाओ टेस्ट कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, फिजिशियन के पास। फिजिशियन क्या करेंगे, आपका फिजिकल चेकअप, आपकी हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स और आपके टेस्ट। टेस्ट में आपका कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट होगा, जो बताएगा कि आपके WBC काउंट्स बढ़ गए हैं। WBC लिम्फ, हमने ल्यूकोसाइट के बारे में ऑलरेडी जाना है। ब्लड कल्चर पहले हफ्ते में जब किया जाए बुखार शुरू होने से, तो उसमें एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पाया जा सकता है। और भी कई टेस्ट है, जैसे एंटीबॉडी टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ एंटीबॉडी IgM, IgG एंटीबॉडी एलाइसा टेस्ट से पकड़ा जाता है। IgM एंटीबॉडी पकड़ा गया मतलब अभी इन्फेक्शन चल रहा है, IgG एंटीबॉडी का मतलब है कि पुराना इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया है, ठीक है ना। सो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टडी भी की जा सकती है, ये देखने के लिए कि किस स्पेसिफिक टाइप का, राइट, एस टाइफी बैक्टीरिया है। जी हाँ, प्लेटलेट काउंट करने पड़ेंगे, प्लेटलेट काउंट लो हो सकते हैं तभी ब्लीडिंग होती है। स्टूल कल्चर कर सकते हैं, स्टूल्स में भी एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मिलेगा। तो इस तरह से पकड़ा जाएगा आपका बैक्टीरिया और फिर शुरू होगा इलाज। देखिए, दो पार्ट में इलाज है। पहला पार्ट है जो डायरिया हो रहा है, जो कमजोरी हो रही है, उसके लिए आपको फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट लेना है, वो खुद लेना है, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स खुद लेना है। हर बार अगर उल्टी नहीं आ रही है तो फ्लूइड लीजिए, हर लूज मोशन के बाद एक गिलास पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, इलेक्ट्रोल लीजिए। अगर उल्टी भी आ रही है, नहीं पिया जा रहा, नहीं खाया जा रहा, तो फिर हॉस्पिटल में IV लाइन लेके ग्लूकोस IV फ्लूइड्स चलाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है इलाज का, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से ही ये बैक्टीरिया मरेगा, उसके बगैर ये ठीक नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स में लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि क्योंकि फार्मासिस्ट से, क्योंकि खुद को डॉक्टर समझ के लोग ऐसी ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, दो गोली, चार गोली, दो गोली, चार गोली, कोर्स कंप्लीट नहीं करते, इसीलिए बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस आ रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसलिए कई सारे, मतलब दुनिया भर में रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए कई सारे एंटीबायोटिक से अब रिस्पॉन्स नहीं होता। इसलिए डॉक्टर को उस समय की करंट रिकमेंडेशन सोचनी पड़ती है कि कौन सा एंटीबायोटिक चुने जिससे कि आपका ये बैक्टीरिया मर जाए। जब ये बैक्टीरिया मरता है तब जाके आपको आराम आएगा। और ज़्यादातर केस में आपके जो दिक्कत हो रही है, जो सिम्टम हो रही है, 2 से 4 हफ्ते लगेंगे ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद आपको पूरी तरह से सिम्टम्स को कम हो जाने में। और जितनी जल्दी इलाज शुरू हो उतना अच्छा आउटकम होता है। बहुत देर हो जाए इलाज में तो कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? आपके पेट में ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार इंटेस्टाइन में इतना इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, कई बार किडनी फेल हो जाती है, कई बार इंटेस्टाइन पे छेद होके या बैक्टीरिया वहाँ से निकल के पूरे पेट में फैल जाता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है। ऐसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो सेप्सिस होके जान भी जा सकती है। इसीलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है
कि आप किसी टाइफॉइड फीवर वाले पेशेंट के से आपसे पाला पड़ गया है, या फिर आपको टाइफॉइड फीवर जैसे कोई सिम्टम है, या फिर आपका टाइफॉइड फीवर था और वापस आ गया है, या फिर आपको पेट में दर्द है, पेशाब नहीं आ रहा, या ऐसी कोई बुखार है, तो फिर आप अपने टेस्ट जरूर करवाएं। प्रिवेंशन, वैक्सीन आती है टाइफॉइड के लिए, जिसको हर उस इंसान को लेना चाहिए वो जो टाइफॉइड ग्रस्त जगह पे रह रहा है या टाइफॉइड ग्रस्त जगह पे जा रहा है। कोई ट्रैवलर बाहर से आ रहा है ऐसी जगह पे जहां टाइफॉइड मिलता है, फैला हुआ है, लेना चाहिए, राइट। और उसके अलावा इस वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन हम एक अलग वीडियो में देंगे, जिसमें टाइफॉइड के बारे में और इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। लेकिन इस जो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, वो लोगों को तीन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, कि पानी वो वहां पर या तो बॉटल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर उबाल के या फिर बोतल वाला पानी पिएंगे, खाना खाएंगे गरम करके, प्रॉपरली पका हुआ और गरम गरम खाएंगे, और हर बार खाने से पहले, खाने के बाद हाथ जरूर धोएंगे, बहुत जरूरी चीज है। और गवर्नमेंट का काम है कि वो पानी का ट्रीटमेंट और जो वेस्ट का डिस्पोजल है, जो फीसिस का डिस्पोजल है, उसको जितना अच्छे से करेंगे उतना फूड सप्लाई बेहतर रहेगा, फूड सप्लाई कंटैमिनेट नहीं होगा और ये बीमारी नहीं फैलेगी। और जिसको कैरियर है, जिसको पता चल जाए कैरियर है, उस कैरियर को फूड हैंडलिंग में नहीं रखना चाहिए। तो फूड हैंडलिंग वाली इंडस्ट्री, जितने भी लोग खाना पकाने, खाना हैंडल करने वाले काम करते हैं, उनका टेस्ट भी होना चाहिए कि कहीं वो टाइफॉइड कैरी तो नहीं कर रहे, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है दोस्तों, जो सबको पता होनी चाहिए। टाइफॉइड, जो कि एंटरिक फीवर, एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसका बार बार बुखार आता है, स्टेप लैडर फीवर आता है, एक बार ठीक होता है, फिर आता है, फिर ठीक होता है, फिर आता है, इसी के लिए इसे इसे चार तीन 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। सो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और टाइफॉइड वैक्सीन वाला वीडियो जो आएगा उसे भी जरूर देखिए। कोई भी वीडियो ढूंढने के लिए बस वीडियो का टॉपिक और डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब सर्च बार में टाइप करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।